सो so, आज की डेट में अगर आप टैब का नाम लेते हो तो 90% लोगों के दिमाग में सिर्फ आई का नाम आता है ठीक है बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जो सबसे सस्ता आई है वो भी थर्टी थाउजेंड रुपीज का है एंड जो इंडिया में लोग रहते हैं भाई उनके लिए थर्टी थाउजेंड टैबलेट पे देना बहुत मुश्किल होता है इसके लिए जो एंड्रॉइड वाले ब्रांड्स है वो सस्ते में टैब निकालने की कोशिश कर रहे हैं एम ने अपना पैड फाइव निकाला उसके बाद रियल ने अपना पैड निकाला था अब रियल ने अपना रियलमी पैड मीनी लेके आया भाई एंड काफी सस्ते में काफी जबरदस्त टैबलेट रिलीज किया भाई मैंने इसको अनबॉक्स किया है एंड तब से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं एंड मैं आपको बताने वाला हूँ टेबलेट है कैसा? मेरे को तो बहुत ज्यादा तगड़ा लगा है सारी बातें वीडियो में बताने वाला हूँ so, 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 सबसे पहले तो आप लोग तो ये है रियलमी पैड मिनी कितना छोटा यार मस्त दिख रहा है रियलमी पैड मिनी इधर पे अल्ट्रा स्लिम डिजाइन पूरा पीछे डिटेल दिया है इसके अंदर यूनिसॉक का प्रोसेसर है एटीन वोट चार्जिंग है सिक्सटी फोर हंड्रेड मिली एम की बैटरी है और जो प्राइस है इसका थ्री जी बी थर्टी जी इंटरनल स्टोरेज अठारह हजार लिखा हुआ है लेकिन मेरे को मिला है नौ हजार रुपए जी हाँ कार्ड वगैरह लगा के आपको नौ हजार में मिल जाएगा ये वाला बिना जो फोर वाला मॉडल नहीं है सिर्फ वाई फाई ओनली है वो वाला नौ हजार रुपए में एक टैबलेट मिल रहा है और क्या चाहिए अगर आप स्टूडेंट वगैरह के लिए अभी खोलते हैं पहले हम लोग इसको बहुत छोटा यार इस तरह से निकलेगा वाह काफी डेंस है और मोटा भी हैवी सा भी लग रहा है पीछे पूरा मेटल है यहाँ पर हमको कुछ बहुत सारे पेपर <laughs> बहुत सारे पेपर वर्क मिलते हैं इधर पे एक्स्ट्रा डब्बा है उसके नीचे हमको यहाँ पर सिम कार्ड का ट्रे मिलता है बट इसमें सिम कार्ड तो लगता नहीं है ये वाईफाई वाला वेरिएंट है ना यहाँ पर हमको एक ब्रिक मिलता है चार्जिंग के लिए जो अठारह वॉट का है एंड यूएस बी ए टी तो सी केबल है पीछे पूरा मेटल है पूरा मस्त मोल्डेड मेटल मस्त एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है नीचे के साइड में प्लास्टिक है नेटवर्क वगैरह के लिए यहाँ पर हमको कैमरा मॉडल देखने को मिलता है इस साइड की बात करूँ तो स्पीकर ग्रिल है यूएसबी टाइप सी पोर्ट प्राइमरी माइक्रोफोन होल है इधर पर सिम कार्ड का ट्रे दिया हुआ है अच्छा ओके सिम कार्ड के लिए नहीं है मतलब इसमें सिम कार्ड में माइक्रो एस कार्ड लगाने के लिए दिया हुआ है गॉट nice, इट इन लोग ने क्यों दिया इधर पे हमको ईयरफोन जैक इधर पे सेकेंडरी स्पीकर ऊपर वाले एंड यहाँ पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम रॉकर पीछे की साइड की बात करू तो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल है इधर पर रियलमी की ब्रांडिंग है फ्रंट साइड में काफी बड़े बड़े बेजल है बाकी यहाँ पर हमको कुछ सेंसर्स भी देखने को मिल रहा है विच इज बियड आई थिंक लाइट सेंसर है ऑटो ब्राइटनेस के लिए एंड यहाँ पर कैमरा है लेट मी क्विकली सेट इट सबसे पहले एप्स की बात करूँ तो बहुत ही कम एप्लीकेशन है बिल्कुल भी कचरा नहीं यहाँ पर यहाँ पर एंड्रॉइड इलेवन पे चल रहा है रियलमी यू आर एडिशन है एंड तीन 3GB रैम है बेसिकली तो मैं भी इसको प्रॉपरली टेस्ट करता हूँ गाइस फिर मैं आप लोग के सामने ले आता हूं भाई कैसा टैब है नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट दिस टैबलेट दिस इज अ रियलमी पैड मिनी भाई काफी ज्यादा मिनी है एक्चुअली में लेकिन उसके पहले मैं बात करूंगा प्राइसिंग के बारे में आई मीन वाओ वॉट अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ग्यारह हजार रुपए का यह तीन जीबी रैम के साथ में थर्टी टू जीबी इंटरनल स्टोरेज वाला मिलता है हमको ग्यारह हजार रुपए थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो उसके ऊपर इन लोग कार्ड डिस्काउंट देते हैं ये नौ हजार रुपए में मिला है विच इज इन सेन नाइन थाउजेंड रुपीज में ये टैबलेट बहुत ही तगड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगर आपको ये नाइन टू टेन थाउजेंड के बीच में मिलता है ना देन इट इज अ रियली रियली गुड टैबलेट अगर आपको थोड़ा सा स्टोरेज ज्यादा चाहिए देन तो आप लोग सिक्सटी फोर जीबी वाला लो लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है तो अगर आपका बजट एकदम टाइट है आपको दस हजार के अंदर ही टैब लेना है देख ज वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट भाई सीरियसली बता रहा हूँ बात करते हैं टैबलेट के बिल्ड एंड डिजाइन की तो पूरा जो बैक है ये पूरा मेटल में है ये वाला पोर्शन इधर पे प्लास्टिक है इधर पे भी प्लास्टिक है एंड जो साइज है वो काफी अच्छा है लाइक like, अगर आप इजिली एक हाथ में ऐसा पकड़ सकते हो कान में लगा के बात नहीं कर सकते क्योंकि ईयर ये पीस नहीं है इसके अंदर ओवरऑल जो मेरे को इसका इनहैंड फील है वो बहुत अच्छा लगा मेटल होने की वजह से एंड मतलब ऐसा मजबूत भी लगता है ऐसा कहीं लगता नहीं कि कमजोर है या ऐसा कुछ मैं बिना कवर के ही यूज कर रहा हूँ एंड जो वेट बैलेंस है आप लोग जैसे कि देख रहे हो भाई वेट बैलेंस बहुत तगड़े तरीके से किया है इन लोग ने सो so, मेरे को अच्छा लगा एंड काफी हल्का भी है थ्री सेवेंटी टू ग्राम का है ये सो ओवरऑल ठीक है मतलब ऐसा कुछ बहुत हैवी नहीं है लेकिन आई पैड के जितना हल्का नहीं है जो आईपैड मीनी है भाई ये भले ही फोर्टी सिक्स थाउजंड का है लेकिन काफी ज्यादा लाइट वेट है इसके ऊपर ये ग्लास मैंने लगाया टेम्पर्ड ग्लास आता है ये टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद भी तीन सौ तो सोलह ग्राम का है थ्री सिक्सटी नाइन ग्राम्स का है बिना टेम्पर्ड ग्लास के ओवरऑल मेरे को ना इसका जो बिल्ड एंड डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा भाई एंड आपको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है इधर पे पावर बटन है एंड पूरा वही वाला टाइप का डिजाइन आईपैड का, का जैसे कि आप लोग देख रहे हो लेकिन आईपेड मिनी जो है वो थोड़ा सा इससे चौड़ा है तो लंबाई वाला है रियलमी पैड बाकी इसके स्कैनर नहीं है जो नाइन थाउजेंड रुपीज में आई कंप्लेन क्योंकि फेस दिया हुआ है, जो काफी फास्ट जैसे कि आप रहे हुआ है जैसे तुरंत बटन दबाओ तुरंत खुल जा रहा है मतलब इतना है सो मुझे काफी अच्छा लगा बाकी जो डिस्प्ले है एट पॉइंट सेवन इंच का डिस्प्ले है सेवन ट्वेंटी है टेन एटी नहीं है जो पीपीआई है वो काफी कम है लगभग है वही आईपेड वगैरह में बहुत

धूप रहता है ना अगर धूप का रिफ्लेक्शन आता है तो आपको हल्का सा दिक्कत करेगा जैसे कि आप यहाँ तो पर देख रहे हो बाकी इसके अंदर वाइट वाइन का सर्टिफिकेशन है तो जब आप प्राइम वीडियो पे कोई वीडियो वगैरह देखते हो जैसे आप लोग तो देख रहे हो भाई टन ए में चलता है एंड काफी अच्छी क्वालिटी रहती है लाइक मल्टी मीडिया एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है प्लस थ्री पॉइंट फाइव एम हेडफोन जैक दिया हुआ उसका भी जो आउटपुट है वो भी काफी जबरदस्त है एंड इसके अंदर डुअल स्पीकर था जी हाँ इधर पे एक स्पीकर दिया हुआ है इधर पे एक स्पीकर दिया हुआ है अगर मैं आपको आउटपुट सुना तो इसका काफी अच्छे क्वालिटी के स्पीकर है लाइक जो प्राइस में आ रहे हैं वो प्राइस में तो तकड़े हैं काफी लाउड भी है क्वालिटी भी अच्छी है तो मुझे अच्छा लगा एक अच्छे क्वालिटी का मट्टी एक्सपीरियंस आपको इससे मिल जाएगा प्लस इसके अंदर फोर वाला भी ऑप्शन आता है तो अगर आपको फोर वाला चाहिए तो आपको उसके लिए तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा आप शायद उसमें कॉल वगैरह भी कर सकते हो क्योंकि पहले वाले रियलमी पैड में कॉल वगैरह करने का ऑप्शन था तो इसमें भी होगा बाकी नेटवर्क वगैरह की बात करूँ तो फाइव जी का बैंड सपोर्ट करता है ब्लूटूथ वगैरह है अच्छे से चलता है भाई मैंने ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह ट्राई किया अच्छे से चलता है सब कुछ एंड जो फाइव जी का वाई है वो भी बहुत अच्छे से चलता है भाई एंड इसके अंदर गई हमको सिक्स थाउजेंड की बैटरी देखने को मिलती है जो काफी अच्छी चलती है भाई जब से मैंने लिया सिर्फ एक बार चार्ज किया है एंड अभी भी जैसे आप लोग जीरो ट्वेंटी मैं बहुत ज्यादा तो यूज नहीं करता हूँ लाइक कंटिन्यूअली यूज नहीं करता हूँ मेनली मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ही लेता हूँ टेस्ट वगैरह करता था मैंने सारे बच्च वगैरह रन करके देखे तो so, उसके हिसाब से बैटरी लाइफ काफी अच्छी है आपको एक देर दिन की अगर आप कटिन्यूअली यूज करोगे तो एक दीढ़ दिन की बैटरी लाइफ एकदम आराम से निकाल के देगा एंड जैसे बहुत ज्यादा हाई एंड डिस्प्ले नहीं है बहुत ज्यादा हाई एंड प्रोसेसर भी नहीं है तो उतना ज्यादा बैटरी का रिक्वायरमेंट भी नहीं है बैटरी लाइफ इसकी आपको अच्छी सफिशियंट बैटरी लाइफ मिल जाएगी तो आपको उसमें दिक्कत की बात नहीं है एंड चार्जिंग भी काफी फास्ट तरीके से है बहुत फास्ट है लेकिन आपका काम चल जाएगा बात करूं कैमरास की तो पीछे हमको आठ मेगा पिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जैसे कि आप लोग पर देख रहे हो प्लस फ्रंट हमको पांच मेगा पिक्सल को मिलता है एंड आई विश की उल्टा होता तो ज्यादा बेटर होता बट किसी किसी को ना रियर कैमरा का भी काम लगता है मुझे पर्सनली उतना काम नहीं लगा रियर कैमरा का जितना मेरे को फ्रंट कैमरे का काम लगता है बाकी जो रियर कैमरा है उसकी फोटोज आप लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हो ओके ओके फोटो ले लेता है बहुत हाई एंड नहीं है आप उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करना जो काफी पुराने फोन होते थे उनके क्वालिटी का फोटोज वगैरह ले लेता है काम चल जाएगा आपका ऐसा समझो जो मेरे

अच्छी तो कुछ इस तरह की वीडियो बना लेता भाई। अब मेरा ये कंप्लेंट की फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है आठ मेगा पिक्सल का, मैं का मैं नहीं कर सकता आप लोग माइक का भी क्वालिटी so, हो, आप हो आपको जाएगा आपको ऑनलाइन लेक्चर वगैरह अटेंड करना है उसका भी आपको दिक्कत नहीं मिलने वाली कैमरास के बाद करूँ जैसे हो भाई काफी क्लीन सॉफ्टवेयर है यहाँ पर एकदम फुल स्टॉक एंड्रॉइड है जो इवन सेटिंग्स है वो भी स्टॉक एंड्रॉइड है रियलमी मी वाई आर एडिशन एंड्रॉड इलेवन पे बेस्ड है काफी Like I was surprised actually, है लाइक आई वॉज सरप्राइज एक्चुअली कितना ज्यादा स्मूथ है मतलब हर एक चीज अच्छे से चल रही है इवन इसमें एक तीन जीबी रैम वाले टैप में आप मल्टीटास्किन कर सकते हो देखो मैंने क्रोम खोला ये मल्टी विंडो पर टैप किया एंड मैं समझ लो यहाँ से प्राइम वीडियो तो नीचे मैं प्राइम वीडियो भी चला सकता हूं इधर पे मैं ब्राउजिंग कर सकता हूं क्रॉस कर लूंगा तो ज्यादा बेटर तरीके से होगा यहाँ पर मैं प्राइम वीडियो में मूवी देख सकता हूँ यहाँ पे ये कर सकता हूँ एंड साथ में एक और ऐप चला सकता हूँ जैसे आप लोग ये वाला देख रहे हो सो ओवरऑल जो इसका लाइक जी बी रैम होने के बावजूद भी इतने अच्छे से चलता है ना बहुत सारी चीजें तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसके अंदर यूनिसॉक का टी सिक्स वन सिक्स प्रोसेसर दिवाया विच इज रियली रियली गुड स्पेशली जो प्राइस में आ रहा है बहुत ज्यादा पावरफुल है मैं अगर आपको कुछ बेंच मार्क दिखा दू जो मैंने इसके अंदर किए हैं सो so, पहले तो यूएफ़ स्टोरेज जो है इसका यूफ एस थ्री पॉइंट वन उसका स्पीड टेस्ट किया वो बहुत ही कम स्पीड लेकर आया जो फिर उसके बाद मैंने बेंच मार्क किया जो एन टू टू है उसका स्कोर दो लाख के ऊपर आ रहा है विच इइस एक बेंच का भी स्कोर टेस्ट किया फिर उसके बाद मैंने पंद्रह मिनट तक के थ्रॉटलिंग किया जरा सी भी हमको थ्रॉटलिंग देखने को मिली नाइन्टी टू परसेंट है वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड

बहुत मजा आता है मतलब चलाने में आपको ऐसा कहीं लगेगा नहीं कि भाई आठ दस हजार रुपए का टैबलेट है मतलब ऐसा दस था था करेगा तो फील नहीं होगा तो ये मेरे को अच्छा लगा बाकी गेम खेलना है अगर आपको तो मैं आपको एक गेम प्ले भी दिखा देता हूं so हमको यहां पर पे हाई की सेटिंग मिलती स्मूथ अल्ट्रा होता तो मजा आता लेकिन स्मूथ हाई पे हम है बट स्मूथ गुड फिलहाल टेम्परेचर देख लो टैब तो, तो गर्म नहीं हुआ एंड थर्टी एफ का काफी अच्छा गेम प्ले हुआ एंड है, है, मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा है, अच्छा है तो आप खेल सकते हो के आसपास, के आसपास भी कर सकता है लेकिन तीन जीबी है तो पी एस की गेमिंग आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो लेकिन अगर आप अपने राउटर से थोड़ा सा दूर हो तो टू पॉइंट वाला वाई जो बैंड है कनेक्ट करना क्योंकि इधर ना थोड़ा सा नेटवर्क

देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टैबलेट है मैंने खुद के पैसे से खरीदा है ठीक है ना तो ये है ना कुछ है तो ये चीज पहले क्लियर कर देना चाहता हूं मैं बाकी दूसरी बात भाई अगर आप आठ नौ हजार दस हजार रुपए का मार्केट में टैब लेने जाओगे ना जो दूसरे मार्केट में बिकते हैं इतने बकवास इतने वाहियात होते हैं ना वो टैबलेट आप लेके आओगे दो तीन दिन में खराब हो जाएंगे बहुत मतलब वो तो ऐसा ऑफ मार्केट कोई भी दूसरे ब्रांड का ऐसा फालतू सा ब्रांड रहता है कुछ भी नाम रहता है अजीब सा उन लोग बना के देते हैं तो वो तो टैबलेट कोई काम के नहीं होते आठ दस हजार रुपए में कुछ लायक नहीं वो टैबलेट्स के कंपेरिजन में अगर मैं बोलू तो भाई